ओसोसोरस वर्सेस मेगालोडॉन, कौन है ज्यादा पावरफुल और किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं? चलिए जानते हैं। मोसासोरस समुद्र में रहने वाला बहुत ही बड़ा और डेंजरस प्रीडेटर था, जो 50 से 60 फीट लंबा और 15 टन वजनी था, और इसके 40 से 50 नोकीले दांत और जबरदस्त जबड़ा था, जिससे ये ज्यादातर शिकार को आसानी से निगल सकता था। वहीं दूसरी तरफ मेगालोडॉन हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रीडेटर हुआ करता था, जो 60 से 70 फीट लंबा और 50 से 60 टन वजनी था, 7 फीट का बड़ा जबड़ा और 270 नोकीले दांत थे, जो बड़े से बड़े शिकार को मारने के लिए काफी थे। और मेगालोडॉन बड़े शिकार को मारने के लिए ही महारत रखता था, जैसे कि मेगालोडॉन, जबकि मोसासोरस हमेशा छोटे ही शिकार को खाया करते थे। यानी कि इस फाइट का विनर है मेगालोडॉन।